20 का दे दो, ज्यादा नहीं थोड़ा टाइम के लिए मतलब छोड़ देते हैं। मणिपुरी इरम्बा है अभी, मतलब ये जो कच्चा जो धनिया पत्ता था तो कच्चा धनिया पत्ता भी मैंने डाल दिया, तो आप लोग भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत ये मतलब आइटम है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुजीत चौहान, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागतम है। तो आज मैं एक मणिपुरी आइटम बनाने जा रहा हूँ। ये जो मणिपुरी डिश है ये नॉर्थ ईस्ट असम का एक ट्रेडिशनल डिश है। ये डिश ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब मणिपुर ही खाते हैं, इसको बोलते हैं इरम्बा बोलते हैं। ये जो इरम्बा बनते हैं तो उसके लिए मतलब शुकना जो मछली होते हैं, शुकना मछली होना जरूरी है और बहुत ही मतलब अच्छा मतलब टेस्ट आते हैं। दूसरा बात यह है कि तो उसके लिए मतलब एक टोमेटो, एक आलू मूंग आलू मूंग दाल, सबका बनाने का मतलब अलग अलग तरीका होते हैं। जो तरीका है बनाने का, जो तरीका होते हैं तो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कैसा मतलब बनते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। और ये मणिपुरी जो मतलब डिश है इरम्बा बनाने के लिए मतलब एसेंशियल जो शुकना जो मछली होते हैं उसको बोलते हैं क्या नाम था, हिडल चुटकी। जो हिडल जो चुटकी होते हैं तो ये मार्केट में मिलता है, बहुत ही मतलब सैंट होते हैं, बहुत ही मतलब खाने में मतलब मज़ेदार टेस्ट आते हैं। तो वो हम मार्केट से लाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो इरम्बा बनाने के लिए ये जो नॉर्थ ईस्ट असम का जो ये ट्रेडिशनल जो डिश है इरम्बा, तो उसके लिए मतलब हिडल जो चुटकी होते हैं, हिडल चुटकी आप लोगों को हम दिखाएंगे क्या मतलब ये हिडल चुटकी होते हैं, क्या सूखना मछली होते हैं। तो हिडल चुटकी जो होते हैं इरम्बा बनाने के लिए क्या मतलब ये चीज़ है, तो मार्केट चलते हैं। तो मार्केट से हम मतलब हिडल चुटकी लाते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये जो बाजार है ये बेलटोला जो बाजार होते हैं ये हर गुरुवार को और रविवार को होते हैं। ये बहुत ही ये मार्केट है, ये गॉड असम का ये बेलटोला है, यहाँ हर चीज मिल जाते हैं। मार्केट आ गया तो अभी हिडल किधर मिलता है, कहाँ मिलता है देखते हैं। पूरा चुटकी है क्या, 20 का दे दो, 20 का दे दो। दोस्तों ये जो शुकना मछली जो होते हैं शुकना मछली कितना हो गया, ले लिया इरम्बा के लिए, मणिपुरी जो डिश है इरम्बा के लिए ले लिया। तो अभी चलते हैं घर में, चलते हैं। ये बहुत ही मतलब दूर दूर तक मतलब ये
अपना चर्च जो है ये मार्केट जो है बहुत दूर दूर तक होते हैं, और ये आगे जो है ये है पैरटोला तीन अली, पैरटोला तीन अली हम लोग पहुँचे, तो अभी मतलब टाटा बाई भी देते हैं, बाकी घर में जाके मतलब कोशिश निकालते हैं। आ गया तो ये को अभी हल्का सा गर्म पानी से मतलब वॉश कर लेंगे। पानी को हल्का सा गर्म कर ये जो आलू था मैंने सार पीस करके मैंने रखा था, ये टमेटो भी इसमें डाल देंगे, और ये जो पेस्ट मतलब बना के रखा था दे देंगे। ये बेस और ये जो पानी गर्म करके रखा था तो अभी पानी दे देते हैं। ये जो इधर था इसमें थोड़ी ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं थोड़ा टाइम के लिए मतलब छोड़ देते हैं। अभी इसको मतलब अच्छी तरह से मतलब ठंडा पानी के साथ फिर से मतलब धो लेंगे। इसका जो गंदगी था तो गंदगी मतलब पूरी तरह से मतलब चला गया है, तो अभी इसको इसके साथ डाल देंगे। तो आप लोग भी एक बार ट्राई कर लीजिए कि बहुत ही मतलब ये बॉयल्ड आइटम हिरोम्बा है खाने से मतलब बहुत ही मतलब टेस्ट आता है। अभी ये सो गिरा गिरा हो गया तो गिरा गिरा हो गया है तो अभी पूरा डाल देते हैं। दोस्तों ये है मणिपुरी हिरोम्बा, जो धनिया पत्ता था तो कच्चा धनिया पत्ता भी मैंने डाल दिया, तो आप लोग भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत ये मतलब आइटम है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होते हैं। और ये जो ईदल चुटकी जो होते हैं बहुत ही मतलब अच्छा है। ये नॉर्थ ईस्ट असम का ये मणिपुर यानी मणिपुरी का जो ये ट्रेडिशनल जो डिश है हिरोम्बा, तो हिरोम्बा ऑलरेडी हो गया है, देखने में बहुत ही मतलब खूबसूरत लग रहा है। और मैं जीत शर्मा आप लोगों से विदा मांगता हूँ। धन्यवाद।